जोहार, आज हम आपको लेकर आ गए हैं रांची झारखंड के बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में, जहां विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित किया गया है आदिवासी महोत्सव। और इस महोत्सव में ट्राइबल कल्चर के साथ साथ ट्राइबल फूड को आम लोगों से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं आदिवासी खाने की झलकियाँ और आपके साथ लेते हैं इसका स्वाद। हेलो जोहार, नमस्ते, प्रणाम। आई एम शालिनी एंड वेलकम टू आवर न्यू फूड ब्लॉग। तो आज हम आपको लेकर आ गए हैं झारखंड रांची के बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में, जहां पे लगा हुआ है झारखंड आदिवासी महोत्सव। तो यहां पे जनजातीय सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ जनजातीय खान पान का बेजोड़ मेल आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम आपको ट्राई करवाने वाले हैं बेसिकली ट्राइबल कुजीन। तो अंदर चल कर देखते हैं कि खाने में हमें क्या क्या यूनिक मिलता है और इसका स्वाद कैसा होता है। तो चलिए हमारे साथ अंदर। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं पार्क के उस एरिया में जहाँ पे आदिवासी व्यंजनों की लाइन से स्टॉल लगी हुई है। मतलब इधर से लेके ये चारों तरफ मेरे जो है वो सिर्फ आदिवासी व्यंजनों का स्टॉल लगा हुआ है। तो आज हमने सोचा है कि क्यों ना यहाँ पे ट्राई किया जाए फुल कोर्स मेनू, यानी कि उसमें होगा वेलकम ड्रिंक, स्टार्टर, मेन कोर्स और डेजर्ट। तो ये चार चीजें मैं ट्राई करूंगी और चाहूंगी कि आपको यूनिक से यूनिक चीजें आपके सामने लाऊं। तो बने रहिएगा वीडियो में, बहुत ही मजा आने वाला है। और तो चलिए देखते हैं वेलकम ड्रिंक में हमें यूनिक क्या मिलता है। तो अभी हम आ गए हैं फूड स्टॉल नंबर 6 पे, जहाँ पे मिल रहा है रसम, वो भी कुद्रुम के फूल का। तो कुद्रुम का अचार तो मैंने खाया है, लेकिन इसका रसम, तो चलिए वेलकम ड्रिंक में आज मैं इसे ही पी रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है टेस्ट में। तो गाइज, ट्राइबल कुजीन की एक बात बहुत अच्छी है कि यहाँ पे बहुत ही हेल्दी वर्जन मिल जाता है, चाहे आप कोई भी कोर्स इनका ट्राई करो। तो ये रहा आज का मेरा वेलकम ड्रिंक, जो कि है कुद्रुम के फूल का रसम। इसके बारे में मैम बता रही थी कि इसमें विटामिन सी बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो चलिए आज हम भी इसका टेस्ट लेते हैं और आपको बताते हैं इसका स्वाद कैसा है। थोड़ा खट्टा है और इसमें पुदीने का फ्लेवर आ रहा है मुझे। इसमें पुदीने की कुछ पत्तियां दिख रही हैं और इसे पीकर बहुत ही फ्रेश फील हो रहा है, बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट है। तो चलिए अभी हम ट्राई करते हैं स्टार्टर और आपको दिखाते हैं स्टार्टर में हमें क्या मिलता है। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे स्टार्टर के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे बहुत तरह के रोल है, रोल का हेल्दी वर्जन बोल सकते हो आप। ये देखिए, यहाँ पे मशरूम मड़ुआ रोल है, मड़ुआ स्वीट कॉर्न रोल है, यहाँ पे मड़ुआ रुगड़ा रोल है। ये आज हम ट्राई कर लेते हैं यहाँ का मड़ुआ मशरूम रोल। तो गाइज, इट्स टाइम टू टेस्ट स्टार्टर। तो स्टार्टर में मैंने यहाँ पे लिया है मड़ुआ के आटे का रोल है और इसमें जो फीलिंग है वो है खुखड़ी की। खुखड़ी यानी कि झारखंडी लोकल जंगली मशरूम है, उसकी फीलिंग है। और साथ में मुझे मिल गया ये कुद्रुम का अचार और ये है रुगड़ा का अचार, जो कि बहुत ही झारखंड में खाया जाता है। और ये रहा मेरा मड़ुआ मोमोज, जो कि मिल गया मुझे। चार पीस मोमोज है और इसके साथ में मिल जाती है मुझे बस्करील, जो है बैम्बू सूट जिसे बोलते हैं, उसकी चटनी। और ये साथ में इसमें धनिया पत्ते की चटनी मिल जाती है। तो चलिए अभी ट्राई करते हैं ये मड़ुआ रोल के अंदर की पहले मैं फीलिंग देखना चाहूँगी, क्योंकि बड़ा ही यूनिक रोल है। तो देखिए, अच्छा, तो ये रहा फीलिंग और ये रहा खुखड़ी। तो चलिए अभी हम ट्राई करते हैं इसे कुद्रुम के फूल का अचार जो है उसके साथ में। नाइस टेस्ट। मतलब मुझे लगा नहीं था कि रोल का जो देसी वर्जन है वो इतना टेस्टी होगा। और इसकी फीलिंग आप देखिए, मतलब बहुत ही अच्छे से इसमें फीलिंग भी डाली गई है। एक बार मैं ट्राई करती हूँ ये रुगड़े का अचार, जो कि मैंने कभी खाया नहीं है। ऑसम। हम ट्राई करते हैं इनका ये मड़ुआ मोमोज। तो पहले तो मैं इसे तोड़ के देखती हूँ अंदर की फीलिंग। अच्छा, तो इसके अंदर में कैबेज वगैरह भरा हुआ है, जो नॉर्मली स्टीम्ड मोमोज होते हैं। कॉर्न भी मुझे दिख रहा है, चना दाल दिख रहा है मुझे। तो चलिए हम इसे ट्राई करते हैं ये बस्करील की जो चटनी साथ में मिली है उसके साथ।
ये चटनी तो गजब है। ये मोमोज को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रही है, इस देसी मोमोज को। तो गाइस नेक्स्ट स्टार्टर के लिए हम आ गए हैं इस स्टॉल में, जहाँ पे मिल रहा है बहुत ही यूनिक स्टाइल का गोलगप्पा। तो यहाँ पे मिल रहा है, ये देखिए, मड़ुआ गोलगप्पा मिल रहा है। और इसके साथ में क्या, कौन सा मसाला रहेगा अंदर में? आलू एंड मटर। अच्छा, जो नॉर्मली पानीपुरी में रहता है। तो जस्ट हैव अ लुक गाइस, हमारा ये यूनिक गोलगप्पा, मड़ुआ का गोलगप्पा आ चुका है। और चलिए ट्राई करते हैं आपके साथ में। चीयर्स। बोलती बन बहुत ही मजा आ रहा खा के, मतलब हेल्दी वर्जन ऑफ गोलगप्पा। आदिवासी खाने की एक चीज बहुत अच्छी है कि आपको जितने भी दुनिया भर के कुजीन है ना, सबका आपको ये आदिवासी वर्जन बना देते हैं, और इसका एक आदिवासी वर्जन यानी कि हेल्दी वर्जन। तो गाइस हमारा वेलकम ड्रिंक हो चुका है, स्टार्टर हो चुका है, तो अभी बारी है मेन कोर्स की। और मेन कोर्स के लिए हम आ गए हैं स्टॉल नंबर 5 पे, जहाँ पे बहुत ही यूनिक तरह की डिश मुझे देख रही थी। यहाँ पे ये चिकन चावल को इस तरह से शाल के पत्ते में रैप करके बेच रहे हैं। तो यहाँ पे पूछते हैं ये क्या है। ये पत्ता पुड़ोंग है, ठीक है, इसमें चिकन और अरबा चावल मिक्स करके वो साल के पत्ते में लपेट करके डायरेक्ट आग में कुक किया हुआ है। अच्छा, ये जो है स्पेशली वेस्ट सिंहभूम चाईबासा में स्पेशल डिश है। ये करील भुजिया, ये कच्चा बाड़ सब्जी। अच्छा, और ये क्या है? मुनगा साग। अच्छा, तो गाइस जस्ट हैव अ लुक, हमारा मेन कोर्स आ चुका है। और मेन कोर्स में हमने बहुत कुछ लिया है, और आपको बताते हैं एक एक करके कि हमने क्या क्या लिया है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने लिया है चावल का छिलका रोटी, इसके साथ में है ये पुटकल की चटनी, और ये सने के फूल की चटनी, और ये है रुगड़े का अचार। तो हाल ही में हमने एक वीडियो भी बनाया है ट्राइबल कुजीन करके, तो उसमें हमने सारा कुछ दिखाया था, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और नेक्स्ट हमने ये लिया है कोनगा रोटी, जिसे हम धुत्तू रोटी भी बोलते हैं, और ये है आज की स्पेशल डिश, जो कि ये बहुत ही स्पेशल ट्राइबल कुजीन, जिसे कहते हैं पोडोम जिलू। पता नहीं मैं सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं। और यहाँ पे ये देखिए, साथ में बस करील जो है उसका भुजिया है, साथ में ये है सहजन के पत्ते, और ये है रुगड़ा की सब्जी, और यहाँ पे ये रहा इनका स्पेशल चटनी, जो कि हमें पोडम जीलू के साथ मिला है। तो चलिए अभी पहले तो रैप खोलने की बारी है, जो भी यहाँ पे साल के पत्ते का देख लीजिए किस तरह से यूज करते हैं ये लोग। वाओ, मतलब जैसे कोई सरप्राइज गिफ्ट नहीं खोलते हैं, वैसे ही मुझे अच्छा लगता है इस तरह के फूड को खाना। इस तरह से जो सर्व करते हैं ना फूड को, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, सिंपल सा फूड भी बहुत अच्छा लगने लगता है। ये देखिए, वाओ, बिल्कुल एकदम पीठे के साइज का है बिल्कुल। तो चलिए ये तो हमने खोल लिया, अभी बारी है इसे खोलने की। तो ये देखिए पूरा इसे पकाया जाता है पत्ते के समेत ही आग में। ये कुछ ज्यादा ही रैप किया हुआ है, पता नहीं कब निकलेगा। अच्छा अच्छा, वाह, इसका तो अरोमा बहुत ही बढ़िया आ रहा है खोलते के साथ ही, वो पत्ते का स्मेल बिल्कुल फ्रेश फ्रेश। अच्छा, तो अभी और भी रैप है इसमें। ओके, तो ये रहा गाइस वो सरप्राइज। तो बेसिकली ये क्या होता है, एक क्या बोलते हैं आप, बिरयानी का एक ट्राइबल वर्जन बोल सकते हो इसे, कि चिकन और चावल को ये लोग रख के पत्ते के बीच में साथ में पकाते हैं। तो गाइस चलिए अभी बारी है टेस्ट करने की। तो स्टार्ट मैं करूँगी, आज की जो हीरो डिश है वो है ये पोडोम जिलू टाइप ऑफ बिरयानी है, इसमें चिकन है और चावल है और कुछ मसाले दिख रहे हैं मुझे। तो चलिए इसे ट्राई करते हैं हम। इसके साथ में मैं लूंगी यहाँ पे ग्रेवी रुगड़ा की सब्जी की। अच्छा लग रहा है इसका टेस्ट, बट मुझे लगता है यहाँ पे चावल थोड़ा अंडर कुक है, थोड़ा और पकता है, यानी कि ये पत्ते में जो कुक हुआ है तो शायद इसकी वजह से अच्छे से कुक नहीं हुआ होगा चावल,
बाकी इसका जो टेस्ट है बिल्कुल बढ़िया लग रहा है जैसे कि थोड़ा थोड़ा इसका टेस्ट है वो बिरयानी वाला टेस्ट है, और इस टेस्ट को अलग करता है ये पत्ते वाला टेस्ट। तो चलिए अभी नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं इनकी छिलका रोटी। तो छिलका रोटी देख लीजिए, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम। तो आज हम छिलका रोटी ट्राई करेंगे इस रुगड़े की सब्जी के साथ। रुगड़ा पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये सब्जी भी बहुत अच्छी लग रही है, हालांकि थोड़ी स्पाइसी है, बट ठीक है, चलेगा। तो चलिए अभी हम ट्राई करेंगे इनका ये पुटकल वाला जो चटनी है। बहुत खट्टी है बट टेस्ट अच्छा है। और ये है सने का फूल, सने के फूल की चटनी, बहुत स्ट्रेंज टेस्ट है इसका, बट खाकर आपको अच्छा लगेगा। ये जिस तरह से बस्करील खाते हैं ना, उस टाइप का टेस्ट है थोड़ा बहुत। और ये रहा अचार रुगड़े का, जो कि मैं पहले खा चुकी हूँ। और ये रहा इनका धुत्तू रोटी या कुनगा रोटी जिसको बोलते हैं। तो चलिए इसे हम खाते हैं, इस बस्करील और साग का जो ये भुजिया है इसके साथ में खाते हैं। इसका कॉम्बिनेशन अच्छा है। तो सब कुछ खाने के बाद बारी आती है अब डेजर्ट की। तो जस्ट हैव अ लुक गाइस, डेजर्ट में मैंने मंगाया है बहुत ही यूनिक चीज। तो ये देखिए झारखंड का फेमस गुलगुल्ला जिसे बोलते हैं। ये रहा मड़ुआ का पीठा जिसके अंदर फिलिंग है कोकोनट और गुड़ की। और ये रही गोंदली चावल जो है उसकी खीर। तो चलिए स्टार्ट आज इसी से करते हैं, तो इसे टेस्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट है, इसकी जो मिठास है काफी हल्की हल्की मिठास आ रही है। तो चलिए अब ट्राई करते हैं नेक्स्ट झारखंडी कुजीन। बहुत ही ज्यादा फेमस है ये गुलगुल्ला, जिस तरह से लोग ढोसा खाते हैं उस तरह से गुलगुल्ला खाना पसंद करते हैं। तो ये देखिए, ये नॉर्मल आटे गुड़ और सौंफ से बनता है। तो चलिए इसे ट्राई करते हैं। स्वीट पकौड़ा बोल सकते हैं आप, मीठा पकौड़ा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है इसका भी टेस्ट खाने में। और ये सौंफ का जो फ्लेवर आ रहा है बहुत बढ़िया लग रहा है इसे खाकर। तो चलिए अभी नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे ये मड़ुए के आटा का जो पीठा बना हुआ है ये। तो पहले तो मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ओहो, ये देखिए पूरा पिघला हुआ गुड़ है और नारियल है, ये देखिए आप। तो चलिए अभी हम इसे खाते हैं और आपको बताते हैं इसका टेस्ट। इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि मैं ब्राउनी खा रही हूँ, उस तरह से इसका गुई टेस्चर है बिल्कुल। तो इसके अंदर की जो फीलिंग है ना नारियल की और गुड़ की, तो ये इस आटे के साथ में एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।